जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आप सभी किसकी तैयारी कर रहे हो वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और एक और चीज़, आप सभी को जो भी इस वीडियो से संबंधित डाउट हो, लास्ट में डाउट बचे तो हमें बता सकते हैं। आप कहाँ पर बता सकते हैं? या तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या कमेंट बॉक्स में सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल होता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और इंस्टा आईडी पर पर्सनल बेसिस करके पूछ सकते हैं, ठीक है? जिसकी लिंक हमने दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जो भाई नहीं जुड़े, बहुत सारे भाई जुड़ भी चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, 1300-1400 व्यक्ति समथिंग हो गए हैं, ठीक है? वहाँ पर जुड़ चुके हैं ग्रुप में, ठीक है? तो आप भी जुड़ के जुड़ जाइए, ठीक है? वहाँ पर कोई भी डाउट होती है या छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो तो बता दी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसकी सैलरी कितने बार बढ़ती है, एक साल में कितने बार बढ़ती है, क्या क्या बढ़ता है। जैसे तो गवर्नमेंट जॉब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसकी सबकी सैलरी बढ़ती है। और क्या क्या मिलता है एक्स्ट्रा, जो सैलरी के अलावा साल में क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो अलग की बात छोड़ के हम अपनी ही बता देते, क्योंकि हाँ SSF में की समझ लो, चाहे अदर फोर्स की समझ लो, चाहे किसी की समझ लो, कि एक साल में कितने बार सैलरी बढ़ती है, कितने बार सैलरी में मतलब कि क्या क्या बढ़ता है, ठीक है? वो चीज़ हम बात करेंगे। वो कौन कौन से भत्ते एक्स्ट्रा मिल जाते हैं वो बात करेंगे। तो पहले हम बताएं आपको कि एक साल में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक 3 बार सैलरी बढ़ती है। मिनिमम कितने बार सैलरी बढ़ती है? 3 बार सैलरी बढ़ती है। 3 बार बढ़ने का रीज़न क्या क्या है बढ़ता है बताएं। तो शुरुआत से बताते हैं। जैसे जनवरी है तो जनवरी में अपने महंगाई भत्ता बढ़ता है, हर बार जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ता है। जैसे अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि केंद्र सरकार ने DA है जो 4% बढ़ा के 50% कर दिया है। मतलब पहले 46% था, अब 4% बढ़ के कितना हो गया, 50%। DA का मतलब डियरनेस अलाउंस का मतलब सीधे हिंदी में बात हो, बहुत सारे इंग्लिश वाले जानते होंगे, ठीक है? तो उसका क्या मतलब होता है, महंगाई भत्ता। भाई हमारी इतनी इंग्लिश मतलब कि ज़्यादा सही नहीं है, कमजोरी है समझ लीजिए। तो क्या होता है, DA का मतलब सीधी सीधी बात है, महंगाई भत्ता। तो पहले 46% था, आप कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। अब ये 50% कर दिया का मतलब समझते नहीं है भाई, बहुत सारे लोगों को नहीं पता 50% कर दिया क्या कर दिया। तो एक बेसिक पे होता है सब व्यक्ति को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट के व्यक्ति हैं उनका बेसिक पे होता है। बेसिक पे का इतना परसेंट ऐड होता है सैलरी में। जैसे हमारा बेसिक पे कितना है, 22400 है फिलहाल में। तो हमें पहले 46% मिलता था, अब 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। मतलब 22400 बेसिक पे हो गया, अब हमें कितनी मिलेगी, 22400 का आधा कितना होगा, 50% मतलब आधा ही होगा, कितना होगा, 11200। यानी अब 11200 मतलब हो गए, पहले कितना मिलता था, 22400 का 46% मिलता था। यानी सैलरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ये चीज़ होगी, ठीक है? एक बार कब बढ़ जाता है, जनवरी में बढ़ता है, ठीक है? अब दूसरी बार कब बढ़ता है, मतलब घोषणा तो होती है मार्च अप्रैल में होती है, लेकिन जनवरी से बढ़ाया जाता है, जनवरी से मिलता है, ठीक है? और आगे हम बात करें एक बार और कब बढ़ता है। जैसे आपका एक साल में एक इंक्रीमेंट लगता है, पहले हमने बताया एक बार आपका क्या बढ़ेगा, DA बढ़ेगा, फिर साल में क्या बढ़ेगा आपका, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बेसिक पे में बढ़ोतरी। अब बेसिक में बढ़ोतरी का मतलब समझ सकते हैं, एक मतलब कि चार्ट बना के दिया है 7th Pay Commission ने, मतलब कि 7वां वेतन आयोग ने एक पे मदद दिया था, क्या दिया था, एक चार्ट बना के दिया था कि इसका बेसिक पे हर साल इतना इतना बढ़ेगा, एक चार्ट दिया। पहले अगर कॉन्स्टेबल की पता है आप सभी को, बेसिक पे कितना शुरू होता है, 2100 से शुरू होता है, फिर पहले साल एक साल हो जाएगी तो कितना बढ़ जाएगा, 700 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 2200 हो जाएगा। फिर अगले साल बढ़ के कितना हो जाएगा, 700 बढ़ेगा तो 23100 हो जाएगा, फिर 700 बढ़ेगा 23100 के बाद क्या हो जाएगा, 23800, फिर ऐसे बढ़ता जाता है, एक स्किल दिया था। तो लगभग कितना माना जाता है, 3% बढ़ता है, बढ़ोतरी होती है हर साल, ठीक है? बेसिक पे तो बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी तो सैलरी ज़्यादा, 700 तो वो दिख रही, लेकिन उस पर जो परसेंट लग रहा है, जैसे DA पर लग रहा है, वो भी बढ़ेगा, TPT बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ता है, ये चीज़ दूर ध्यान रखें। तो एक बार कब बढ़ गई, ये इंक्रीमेंट कौन सा लगता है, कभी किसी व्यक्ति का जुलाई में लगता है, किसी व्यक्ति का जनवरी में लगता है, जो जब लगवाना चाहता है। तो हमारा जैसे जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, तो अब जुलाई आएगी तो इंक्रीमेंट लग जाएगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा फिर हमारा जुलाई में बेसिक पे, कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, 23100 हो जाएगा, ठीक है? फिर एक और, फिर दो तो हमने बता दिए कि एक DNS अलाउंस बढ़ेगा जनवरी में, फिर दूसरा कब, इसकी जनवरी में बढ़ेगा, घोषणा मार्च अप्रैल में होगी, ठीक है? जैसे अभी मार्च में होगी घोषणा, ठीक है? आगे आप जैसे हमने कहा कि हमारा बेसिक पे है जो इंक्रीमेंट है कब लगेगा, जुलाई में लगेगा, ठीक है? अब एक और फिर जुलाई में लग गया, दो चीज़ें बताई, दो बार बढ़ोतरी होगी हमारी सैलरी में, अब एक और बढ़ोतरी होगी क्या, फिर DA बढ़ेगा जुलाई में, फिर DA बढ़, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट रही नहीं, महंगाई बढ़ रही है, तो जुलाई में फिर DA। अब जरूरी नहीं है कि 4% बढ़े, सरकार 3% बढ़ा सकती है, 4 भी बढ़ा सकती है, 5 के रेशियो में चलता है। तो फिर एक जुलाई में फिर बढ़ेगा, जुलाई में फिर महंगाई भत्ता बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये नहीं पता, 3% बढ़ सकता है, 2% बढ़ सकता है, 5% बढ़ सकता है, 4% बढ़, लेकिन ये जुलाई वाला बढ़ेगा, लेकिन जुलाई से लागू होगा, लेकिन घोषणा होती है अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, मतलब अगस्त में तो होती ही नहीं है, सितंबर या अक्टूबर में अधिकतम
घोषणा होती है किसकी, इस महंगाई भत्ते की। वो आता कब से, जुलाई से आपके मतलब कि 1 साल सैलरी में फिर आ जाता है। ठीक है, तो ये होगा तीन, हमने क्या बता दिया, तीन चीज़ें बता दी, कौन कौन सी चीज़ें, एक जुलाई जनवरी का महंगाई भत्ता, दूसरा इंक्रीमेंट, तीसरा फिर जुलाई का महंगाई भत्ता, तीन बार वेतन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट। अब अदर स्टेट गवर्नमेंट का तो हमें इतना जानकारी नहीं है कि वो बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते, लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए बढ़ेगा वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का डीए बढ़ जाता है। जरूर ध्यान रखें, जैसे अभी आपने सुना होगा स्टेट गवर्नमेंट कौन, यूपी, यूपी गवर्नमेंट का डीए बढ़ जाता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की घोषणा हुई जैसे ही 2-4 दिन बाद, जैसे ही योगी जी ने कर दी कि अब महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेश में कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 4% बढ़ के 50% महंगाई भत्ता कर दिएगा। अब और आगे हम बात करें, जैसे अभी 4% डीए बढ़ा ना, अब आगे से क्या बढ़ने का, जैसे दिल्ली में अब एचआरए हमें कितना मिलता था, पहले 27% मिलता था, अब 30% मिलने लगा है। टीपीटी हमें 5200 रुपये कुछ मिलते थे, अब 5400 रुपये मिलने लगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे हमें साल भर में क्या मिलता था, साल भर में हमें वर्दी के लिए एक अलाउंस मिलता था 10,000 रुपये, अब वो भी बढ़ा दिया गया, तो एक्स्ट्रा अलाउंस बता रहे हैं। जैसे आपने पता, अब दो वेतन के साथ हो गए, आपको हम बताएं एक्स्ट्रा अलाउंस के बारे में, एक्स्ट्रा कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, कितने बार मिलते हैं, क्या क्या हमें मतलब कि एक बोनस मिल जाता है, बोनस समझ। देखो साल भर में पहले बोनस का क्या समझते हैं, जैसे जब बजट पेश हो गया, बजट फरवरी में, अब बजट के बाद जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, जैसे क्लोज कब होगा, 31 मार्च को क्लोज होगा, तो जो कुछ रुपये बचते हैं सरकार के पास, जो भी रुपये बचते हैं, बचने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 4,000-4,500 रुपये एक बोनस के रूप में डाल दिया जाता है। जैसे अभी हमारी सैलरी है तो अभी 4,000-4,500 रुपये बोनस के रूप में आएगी, क्योंकि जो बचा हुआ है बजट वो बटा दिया जाता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। अब स्टेट गवर्नमेंट का नहीं पता कि स्टेट गवर्नमेंट के में आती है कि नहीं आती है, ये जरूर ध्यान रखें। आगे हम बताएं, एक तो हमने बता दिया 4,000 या 4,500 की समथिंग आता है, अब जितना जैसा बजट बचता है उस हिसाब से आती है, ठीक है, जब आएगी तो हमको हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, कितना आता है। आगे फिर दूसरा क्या होगा, जुलाई में आएगी हमारे जो इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में, उसी के साथ हमें वर्दी का भत्ता मिल जाता है, यानी क्या मिल जाता है, वर्दी का भत्ता मिल जाता है। कितना, पहले हमें 10,000 मिलता था, अब हमें कितना मिलेगा, 12,500, 2.5% की, मतलब 25% की वृद्धि हो गई है, यानी 2,500 रुपये बढ़ गए हैं, तो 12,500 साल भर के क्या मिलेंगे, वर्दी के लिए भत्ते मिलेंगे, यानी वर्दी सिलवाने के लिए, कौन कौन सी वर्दी सिलवाने कब उसके लिए मिलेंगी, ठीक है, वर्दी, जूते, वर्दी में क्या आते हैं, सब आती है, पूरी यूनिफॉर्म आती है, यूनिफॉर्म के लिए सब कुछ आता है, तो ये कितने, 12,000 रुपये। आगे हम बताएं कि दिवाली बोनस मिलता है, दिवाली बोनस कितना मिलता है, 7,600 या 8,000 की समथिंग दिवाली बोनस मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा कितने अलाउंस मिलेगा, साल भर में 3 अलाउंस मिलेगा, ठीक है, कौन कौन से बताए, एक तो मार्च के वो तो अलग हो गए, हमें हमने जो बढ़ोतरी बताई वो अलग है, ये चीज़ अलग मिलती है, ठीक है, 4,500 रुपये जुलाई मार्च में मिलेंगे, फिर आपका क्या होगा, एक मतलब कि वर्दी के लिए अलाउंस मिल जाएगा, कब मिल जाएगा, जुलाई में, फिर अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, दीपावली के लिए बोनस मिल जाता है, 8,000 की समथिंग वो मिल जाता है। ये तीन चीज़ें हैं आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। अब एक और डाउट, एक सबके मन में एक डाउट आता है सबसे ज़्यादा, कि सर जो बेसिक पे होता है, होता क्या, जैसे आप जब कभी भी देखते हो ना, जैसे भर्ती आती है उसमें लिखा होता है कि लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इसका बेसिक पे सीधी सीधी बात क्या होता है, जो आप नौकरी करते हैं उसके लिए पैसे मिलना, अब उसके ऊपर मिलता है आपको महंगाई भत्ता। अब नौकरी के लिए तो चलो मान लो 20-25 हज़ार मिल रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है, अब महंगाई कितनी बढ़ रही है वो अलग बात, वेतन में मिलेगा आपका मतलब कि टीपीटी क्या है, एचआरए क्या है, वो वहाँ के स्थान के ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ अलग अलग मिलती हैं, ठीक है। और हमने सैलरी की वीडियो बहुत सारी डाल रखी है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।